हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल वीडियो मैं गणेश के साथ में। तो आज हम सीखते हैं मशीन मेंटेनेंस पैरामीटर, ये 9 नंबर वाला, इसके बारे में देखते हैं। इससे पहले आपने ये वाला सीक्वेंस पैरामीटर सेटिंग का वीडियो देखे हैं। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं और देखे नहीं होंगे वीडियो, तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे देता हूँ, आप देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज शुरू करते हैं ये 9 नंबर वाला मशीन मेंटेनेंस पैरामीटर। पहले इंटर करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका नीडिल। ये मशीन के बारे में है कि आपके मशीन में कितना नीडिल है, उतना नीडिल इसमें आएगा। 5 नीडिल है तो 5 नीडिल, 9 नीडिल है तो 9 नीडिल। उसके बाद में दूसरा है नीडिल ऑफ बोरिंग। बोरिंग चलता होगा, बोरिंग नीडिल जो कपड़ा फाड़ के चलता है वो वाला, अगर वो चलता होगा तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। और नीडिल सेटिंग भी कर सकते हो, जैसे कितना नंबर में बोरिंग का नीडिल लगाए हो, 5, 4, 3, 2, 1, कोई भी 9, जितना सेलेक्ट करते हो उतना। अभी हमारे में नहीं है, इसके लिए ऑफ है। और तीसरा नंबर है बोरिंग एम्ब्रॉयडरी डिस्प्लेमेंट जो है, वो एम्ब्रॉयडरी से कितना दूर में चलता है, या तो फिर जहाँ एम्ब्रॉयडरी होता है वहीं चलता होगा, नहीं तो फिर 12 mm अलग साइड पे चलता होगा, जो साइड में छेद दिया रहता है उसके हिसाब से आप दोनों में से एक सिलेक्ट कर सकते हो। और ये चौथा नंबर में है नीडिल ऑफ कॉर्ड एम्ब्रॉयडरी। कॉर्डिंग चलाते हो तो उसके लिए कौन सा नीडिल चलता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्पीड फॉर कॉर्ड एम्ब्रॉयडरी, ये कॉर्ड के लिए कौन कितना स्पीड में चलाना है कॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इधर से अभी तो लॉक है, आप पासवर्ड डाल के लॉक खोल सकते हो इसका। इसके बाद में 6 नंबर में आया एडजस्ट हेड सोलेनोइड। हेड का सोलेनोइड को एडजस्ट कर सकते हो इसमें से। और 7 नंबर में कलर चेंज स्पीड, कलर चेंज कितना स्पीड में करना है, मतलब थोड़ा फास्ट या तो धीमे नीडिल चेंज होता है ना वो होता है, तो हमारे में 12 है, आप उसको अभी 0 से लेके 30 तक लिख सकते हो। ये जो रेड वाले में दिखा रहा है ना इधर, उतने के बीच में आपको रखना पड़ता है। अब ये स्पीड फॉर कॉर्ड एम्ब्रॉयडरी लिखा है 300 से 600 के बीच में चलेगा आपका। और एडजस्ट हेयर सोलेनोइड है 0 से 30 के बीच में आपको रखना है। और उसके बाद में आता है 8 नंबर क्लोज बैक लाइट टाइम। इसका बैक लाइट टाइम बंद करना है क्या ये मॉनिटर का, तो हमारा नो है। अगर इसको इंटर करके यस कर देंगे और पासवर्ड डाल के, तो ये कुछ देर में बंद हो जाएगा, टाइम लिखने का आएगा आपको। और यहाँ 9 नंबर में सर्वर पोर्ट, सर्वर मतलब आप केबल डाल के नेटवर्किंग कर सकते हो इसमें, वो सब के सेटिंग दिया है, हमारे में अभी नहीं है वो सब। और 9 नंबर में 10 नंबर में है मैक एड्रेस, इसका एड्रेस क्या है, हर एक चीज़ का एड्रेस होता है, जैसे अपना मोबाइल वोबाइल ये सब का भी होता है। और 11 नंबर में जाते हैं आईपी एड्रेस लिखा है इसमें, आईपी एड्रेस कितना डालना है आपको, नेटवर्किंग से जोड़ना होगा तो इसको चेंज करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस जो रिक्वायर्ड होता है वही डालना पड़ता है। और सर्वर आईपी है, ये सब नेटवर्किंग से संबंधित है। और सब नेट मास्क, ये भी उसी है, गेटवे सब वो नेटवर्किंग वाला है। 14 नंबर तक, 11 नंबर से 14 नंबर तक आप नेटवर्किंग से जोड़ना चाहते हो तो इसको, ये सब जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं उनके हिसाब से लिखना पड़ेगा, जो कंप्यूटर में नेटवर्किंग चालू है उसके हिसाब से। अब यहाँ मशीन हेड नंबर आया आपका 15 नंबर में। 15 नंबर में जो है मशीन हेड नंबर, मतलब हमारे में कितना हेड है, हमारे में 23 हेड है, आपके में 20 होगा तो 20 होगा ऐसा। और हेड इंटरवल, हेड का इंटरवल कितना है, डिस्टेंस एक हेड से दूसरे हेड का, हमारा 400 का मशीन है तो 400 है, आपका अलग हो सकता है। और यहाँ 17 नंबर में ऑलो सेटिंग हेड कंबाइन एम्ब्रॉयडरी,
हेड कंबाइंड एम्ब्रॉयडरी अलो करना है, शुरू करना है तो यस लिखना है, नहीं तो फिर नो ही चलेगा, अपने में कंबाइंड हेड नहीं है। हेड अमाउंट इन फ्रेम मूविंग रेंज, आपका एक हेड मतलब रेंज में कितना हेड आ सकते हैं, हमारे में दो हेड आ सकते हैं, इसके लिए हमने दो लिखा हुआ है। अगर आपके में तीन हेड आता होगा तो तीन लिख सकते हैं, तो दो एक ही हेड आता होगा तो एक लिख सकते हो। और इनेबल नीडल डाउन विन हेड क्लोज, अगर आपको बंद हेड में भी नीडल डाउन होना है तो इसमें यस लिख सकते हो, हमारे में नहीं होना है इसके लिए हमने नो लिखा है। डीप वन, ये डीप स्विच का सेटिंग है, इसको 0 से 255 तक लिख सकते हो। अभी दूसरे पेज में जाते हैं, इधर भी डीप टू, डीप थ्री और डीप फोर का सेटिंग है, ये भी उतना कुछ ज़रूरत नहीं है। तो आज आप सीख लिए कि मशीन मेंटेनेंस पैरामीटर में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ चेंज हो सकता है इसमें, तो स्पेशली तो आपको ये सब चीज़ ज़रूरत ना हो तो छेड़ना नहीं चाहिए। और इसके बाद में 10 नंबर में इनिशियलाइज पैरामीटर, तो ये श्योर इनिशियलाइज ऑल ऑफ पैरामीटर्स, ये फिर से नया हो जाएंगे, नहीं करना है हमको। 11 नंबर में है पैरामीटर्स फॉर ग्लास विड्थ एम्ब्रॉयडरी, अगर ग्लास चलता होगा, विड्थ चलते होंगे तो आपको ये सब सेटिंग में कुछ, हमारे में तो नहीं चलता है, उतना नॉलेज नहीं है हमको, बिना नॉलेज का आप लोग को बताना भी अच्छा बात नहीं है। और 12 नंबर में है पूर व्यू ऑफ मशीन पैरामीटर मैनेज, प्रीव्यू ऑफ मशीन पैरामीटर मैनेज है 12 नंबर में, इंटर करते हैं। ये देखिए इसके अंदर आ रहा है अनलॉक चेंज द एडमिन पासवर्ड, एडमिन रीसेट ऑप्टिमाइज पैरामीटर, अनलॉक चेंज द एडमिन पासवर्ड, एडमिन पासवर्ड को चेंज कर सकते हो या तो अनलॉक कर सकते हो, जो पासवर्ड डालना पड़ता है वो यहाँ से डालना है। एडमिन रीसेट ऑप्टिमाइज पैरामीटर, अब पैरामीटर को रीसेट भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एडमिन सेव ऑप्टिमाइज पैरामीटर, पैरामीटर यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। अनलॉक चेंज द फैक्ट्री पासवर्ड, फैक्ट्री पासवर्ड भी चेंज हो सकता है या तो अनलॉक भी कर सकते हैं यहाँ से। फैक्ट्री रीसेट ऑप्टिमाइज पैरामीटर, फिर पैरामीटर को फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, वो एडमिन रीसेट था ऊपर का, ये नीचे फैक्ट्री रीसेट और फैक्ट्री सेव ऑप्टिमाइज पैरामीटर, पूरा का पूरा सेव हो जाएगा, ये पूरा रीसेट हो जाएगा, जैसे नया मशीन आता है फिर से आपको सब चीज़ डालना पड़ेगा। अब यहाँ 13 नंबर में सेव ऑल पैरामीटर टू डिस्क, अगर आप पेन ड्राइव लगा देते हो उसके बाद में इसको ओके कर देते हैं तो फिर वो पेन ड्राइव में सेव हो जाता है। यहाँ फेल टू सेव ऑल पैरामीटर, इसके लिए ये मैसेज आ गया। और यहाँ रीड ऑल पैरामीटर्स फ्रॉम डिस्क, अगर वही पेन ड्राइव से आपको सब पैरामीटर वापस डालना है कंप्यूटर में तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, 14 नंबर रीड ऑल पैरामीटर्स फॉर डिस्क, तो इसके लिए आपने देखिए ये जो पंजा की दबाए, उसके बाद में 7 नंबर प्रेस किए मशीन पैरामीटर, उसके बाद में यहाँ गए मशीन पैरामीटर मैनेज, तो यहाँ से एक चीज़ देख लिए, उसके बाद में नीचे जाके सेव ऑल पैरामीटर और डिस्क ऑल पैरामीटर, ये चीज़ किए हैं। आपको कैसे वहाँ तक पहुँचना है ये मैं बता दिया। चलिए आज के लिए इतना ही, देखते रहिए चैनल को, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय, देखते रहिएगा, ओके।